नमस्कार। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर के ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भाग 3 में सम्मिलित पाठ बस की यात्रा पर बातचीत करेंगे। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई व्यंग्य कथा है। परसाई जी ने रोचक ढंग से यह व्यंग्य कथा लिखी है। यह व्यंग्य कथा यातायात की बुरी दशा की कथा है। यह कथा मनुष्यों की विवस्था और मुनाफाखोरी की जानलेवा मनुष्य विरोधी प्रवृत्ति की ओर हमारा ध्यान ले जाती है। आइए इस व्यंग कथा पर विस्तार से बातचीत करते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को इटारसी के पास जमाली में हुआ। हरिशंकर जी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं सिर्फ समाज का मनोरंजन के लिए नहीं अपितु समाज की सच्चाई पर करारा व्यंग्य भी है। परसाई जी की व्यवस्था विद्रूप का पर्दाफाश करने वाले सजग लेखक हैं। परसाई जी ने उपन्यास कहानियां निबंध व्यंग लेख लिखे हैं। उनकी कुछ रचनाएं हैं कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं जैसे उसके दिन फिरे दो नाक वाले लोग रानी नागफनी की कहानी उनका उपन्यास है तट की खोज निबंध संग्रह है तब की बात और भी भूत के पांव बेमानी की परत अशोक के फूल उन्हें अपने साहित्य योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान और शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया है। परसाई जी का लेखन हिंदी साहित्य की धरोहर है। हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु 19 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुई। बस की यात्रा कहानी में यातायात की बुरी हालत पर व्यंग किया गया है। यह मनोरंजक शैली में लिखी गई कथा है। इस कथा में एक पुरानी खटारा बस यात्रा का वर्णन है। टूटी फूटी बस के माध्यम से यातायात की बुरी हालत पर तंज किया गया है। समय समय पर वस्तुओं का नवीनीकरण जरूरी होता है। यदि नवीनीकरण करने से भी कोई वस्तु सही काम ना करे तो उसको हटा देना ही समझदारी है वरना नुकसान की आशंका रहती है। लेकिन मुनाफा कमाने की चाह रखने वाले पूंजीपति सिर्फ मुनाफे की चिंता करते हैं। उन्हें आम जनता के कष्टों से कोई लेना देना नहीं है। बस की यात्रा कहानी इसी प्रश्न को उठाती है। यह व्यंग कथा हमारे सामने कुछ प्रश्न उठाती है। पहला, यातायात की बुरी हालत। दूसरा, आम आदमी की विवशता। तीसरा, मुनाफा कमाने की मनुष्य विरोधी प्रवृत्ति। कहानी की कथा कुछ इस प्रकार है। लेखक और उसके मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वे पन्ना जाएंगे। वहां इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे के बाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देगी। दो लोगों को सुबह काम पर जाना था इसलिए यह रास्ता अपनाना ठीक समझा गया। समझदार लोगों ने शाम की बस से सफर करने के लिए मना किया था पर वे नहीं माने। बस की हालत बहुत खराब थी। वह बिल्कुल बुजुर्ग की तरह लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चल भी पाएगी या नहीं। जो लोग उन पांचों को छोड़ने आए थे उनका कहना था कि जो लोग समझदार होते हैं
वो लोग इस बस से सफर नहीं करते। सभी लोग इस तरह देख रहे थे जैसे वे उनको अंतिम विदाई देने आए हैं। लेखक के मित्र ने सभी को सांत्वना देते हुए कहा कि यह बस अनुभवी है, वो अपनी गोद में बेटे की तरह बैठा कर ले जाएगी। यह भी पता चला कि कंपनी के हिस्सेदार भी इसी बस से यात्रा करने वाले थे, इसलिए यह मान लिया गया कि यह बस ठीक से ही चलेगी। आखिरकार कंपनी के मालिक का मामला है। बस के सारे शीशे टूटे फूटे थे। बस जैसे ही स्टार्ट हुई पूरी बस हिल गई। ऐसा लगा जैसे सारे बस में बस इंजन ही हो। किसी तरह बस चल पड़ी। वह ऐसी धीमी गति से चल रही थी मानो वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन की साथी हो। 8-10 मील चलने के बाद बस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से का साथ नहीं दे पा रहा था और अंततः चलते चलते अचानक बस रुक गई। खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि तेल की टंकी में छेद है। एक बाल्टी में पेट्रोल डालकर एक नली से पेट्रोल टंकी में डाला गया। लेखक को ऐसा लग रहा था कि अब यह बस चलने के लायक नहीं। बड़ी मुश्किल से बस फिर चली तो उसकी धीमी गति से लेखक को डर लगने लगा। कभी भी बस का कोई भी पार्ट्स खराब हो सकता था। सफर करते समय हमेशा ही प्रकृति के नजारे बहुत ही मनभावन होते हैं, लेकिन लेखक और उसके साथियों को ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ उनका दुश्मन हो। जब भी कोई पेड़ दिखाई देता लेखक को लगता कि वृक्ष अब टकराए, और यदि कहीं झील दिखाई देती तो ऐसा लगता बस झील में ही गिर पड़ेगी। थोड़ी देर चलने के बाद बस दोबारा रुक गई। कंपनी का हिस्सेदार कहने लगा कि यह बस अच्छी है, पता नहीं कैसे बंद हो गई। बस ठीक करने के बाद पुनः चलने लगी। लेखक को ऐसा लग रहा था कि रोड पर चलने वाली अन्य सारी बसें उनको पार करती जा रही है और यह बस मानो कह रही है, मेरी तो उम्र हो चुकी है, तुम आगे बढ़ो, मैं धीरे धीरे आ रही हूं। और इसी बीच बस एक पुलिये को पार कर ही रही थी कि अचानक बस का टायर पंक्चर हो गया। यदि बस थोड़ी स्पीड में होती तो शायद बस नाले में ही गिर जाती। कंपनी के हिस्सेदार जब बस इतनी खराब है और इसका टायर इस हालत में है तो आप यात्रियों के जीवन को क्यों दांव में लगाते हैं। इसके बाद किसी तरह दूसरा घिसा पिटा टायर बस में लगाया गया। बस फिर चलने लगी। लेखक और उसके मित्र दोबारा बस में बैठ गए। अब उन्हें ऐसा लग रहा था सारी उम्र उन्हें इसी बस में गुजारनी है। इसी तरह के खतरे की आशंका में उन्होंने बाकी यात्रा किसी तरह पूरी की। कुल मिलाकर यह व्यंग कथा यातायात की बुरी दशा की ओर हमारा ध्यान ले जाती है। यह कथा आम आदमी की विवशता की ओर भी इशारा करती है। आम लोगों के पास इस तरह की यात्रा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें अपने जीवन को दांव पर लगाकर किसी भी तरह जरूरी यात्राएं करनी ही है। यह कथा मुनाफाखोर बस मालिकों की मुनाफे की प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है और यह दृष्टि प्रदान करती है कि हम इस प्रवृत्ति के खिलाफ बोले और कुछ करें। हरिशंकर परसाई जी बेहद सरल और मनोरंजक तरीके से हमारे सामने यातायात संबंधी दिक्कतों की जड़ में मुनाफे की प्रवृत्ति को देखते हैं और हमारे सामने इसे बदलने का एक ज्वलंत प्रश्न रखते हैं। उनकी भाषा आसान है,
पूरी कथा में उन्होंने जिन बिंबों का इस्तेमाल किया है वे हमारे आसपास के ही हैं। इसी रुचिकर शैली के कारण वे सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखक हैं। नई जीवन शैली और प्राइवेट वाहनों के चलते कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं आप हम इसे जानते हैं। पिछले दिनों दिल्ली जैसे महानगरों में इसके चलते प्रदूषण कितना बढ़ गया इसे भी आप जानते हैं। इसका एक ही विकल्प है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन यह तभी संभव है जब उसकी हालत ठीक की जाए, वरना दुर्घटनाओं से बचा नहीं जा सकता। आम लोगों की यात्रा सुरक्षित हो इसकी जिम्मेदारी सरकार ट्रांसपोर्ट कंपनियों को उठानी ही होगी। यह कथा हमें इस तरह के कई संदेश देती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस व्यंग कथा के आशय को अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।